हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। काफ़ी हम लोगों ने बीच में गैप ले लिया ड्यू टू जो ये जो था ना रीज़न, क्या था मैं बताता हूँ। क्लासेस नहीं आ रही थी बहुत सारी। मैथ का जो टॉप 500 जो हम लोग सीरीज चला रहे थे ना, उसका PDF बनाने में आपको बहुत टाइम गया मेरा, ठीक है। मैं आप उम्मीद नहीं कर सकते, एक एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन वगैरह वगैरह। आपको ही पता है ना, ये सीरीज मैं कंटिन्यू कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बट अब से जो है, मतलब आज आपका डेट है 4th अक्टूबर है, तो बट आज से ना आपका सारा क्लास टाइम पे होगा और कल से लाइव क्लासेस भी होंगे। तो चलो इसको मास्टर क्लास टू को करते हैं। और मैं जितनी क्लासेस करा रहा हूँ ना, कोस्ट गार्ड नाविक GDP यांत्रिकी के सेक्शन 1 के लिए, गाइज आप करो। और एग्जाम के बाद कहोगे ना कि सर आपने फुड़वा दिया एग्जाम को, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है, मैंने खुद ICT असिस्टेंट कमांडेंट का रिटर्न निकाल के SSB में नहीं गया था। कुछ रीजन था, बिकॉज टूर ऑफ ड्यूटी का प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय। तो आपको भी पता है कि हम लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स निकालते हैं आपको बताने के लिए कि हमारे अंदर इतना काबिलियत है ना कि आपके इन सभी जो एग्जाम्स है उसको इजीली हम लोग क्रैक करवा देंगे, ठीक है। वो सारा रिजल्ट वगैरह मैंने आपको दिखाया था, इसीलिए और कुछ नहीं था इसके पीछे। तो आप मेरे साथ लगे रहो। और हमने जो भी PDF यहाँ पे लाया है ना, पेड PDF है, बहुत ही मतलब कम प्राइस में। जैसे देखो सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, LCM, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मीडियन। इसमें ना 500 क्वेश्चंस नहीं है, 400 प्लस क्वेश्चंस है इसमें। जितने फालतू क्वेश्चन है उसको मैंने बाद में निकाला था, ठीक है, दोबारा टाइम बनाते टाइम में, उसको दोबारा चेक करते टाइम में, क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थे। बट जो जो बिल्कुल भी क्रीम क्वेश्चन है ना, उनको मैंने डाल दिया है। और देखना एग्जैक्टली 100% सेम पैटर्न पे आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ना इस मैथ के जो है कंप्लीट PDF को खरीदो। उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा, Adobe का जो एक PDF रीडर आता है ना, वो डाउनलोड कर लेना। उस PDF रीडर एप्लीकेशन से इस PDF को ओपन करना, तब उसमें लिंक भी ओपन हो जाएगा और वीडियो सॉल्यूशन चलेगा हर एक क्वेश्चन का। और व्हाट्सएप कर लो 7279047787, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीदो। मैथ की प्राइस हमने 39 रुपीज रखी है। अगर लिंक से बाई करोगे तो 7 रुपया टैक्स पे करने पड़ सकते हैं आपको, ठीक है। बट आप व्हाट्सएप से बाई करोगे तो सिर्फ 39 रुपीज में आप बाई कर पाओगे। साथ ही में हमने पूरा डिटेल में जाके रीजनिंग के भी टॉप 500 का जो है कर रखा है, जिसकी प्राइस 36 रुपीज रखी थी हमने रीजनिंग की। वहीं पे साइंस की भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में थी, सेक्शन 1 के लिए 35 रुपीज़ प्राइस रखी थी। वहीं पे इंग्लिश की भी हमने रखी थी पूरी टॉपिक वाइज, जिसकी भी प्राइस 35 रुपीज़ थी। तो इतनी कम प्राइस में हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि गरीब बच्चा भी है ना, वो मतलब वो हर 2 दिन गैप करके भी अगर पॉकेट मनी अपना बचाए तो 35 रुपये कर सकता है, ठीक है। आप समझ लो, आप 2 दिन में भी 35 रुपये, एटलीस्ट आजकल तो हर कोई दिन में 35 रुपये खर्च कर देता है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप एक दिन में 17 रुपये से तो ज़्यादा ही खा जाते होगे, 17-18 रुपये भी सेव कर लेते हो ना, तो आप 2 दिन का पैसा मिला के अपना पॉकेट खर्च, आपको पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए इतना लो प्राइस पे हम लोग कर रहे हैं। और मैं रियली बता रहा हूँ ना कि जितना भी इसमें से हम लोग पैसा बच रहा है मेरा, वो सारे स्टाफ के ऊपर जा रहा है मेरे पास। रियली मैं कह रहा हूँ, आप मानो ना मानो, एक पैसा भी मेरे पास बच नहीं पा रहा है इस चीज़ का, जितना भी अर्निंग हो रहा है आपके PDF से, सारे स्टाफ जा रहे हैं ले लेके। क्योंकि भाई वो तो नहीं मानेंगे ना, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे और आपका, हम दोनों के बीच का कनेक्शन है ये सारे चीज़। स्टाफ्स को क्या मतलब है, उनसे टाइपिंग करने वाले को, क्वेश्चन सेट करने वाले को क्या मतलब है कि आप कौन हो मैं कौन हूँ, बस उनको पैसा चाहिए, ठीक है। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, बाई कर लो और व्हाट्सअप कर लो। वहाँ से व्हाट्सअप पे भी आपको राहुल मिल जाएंगे, राहुल पे स्टाफ है अपने, और आपको वो बता देंगे किस तरीके से बाई करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस की वर्तमान आयु दीपिका की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो जस्टिन की वर्तमान आयु क्या है। देखो मान लो ना, ये कह रहा है जस्टिन है, ठीक है, और एक दीपिका है, 2 लोग हैं। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया। इसका कह रहा है दीपिका की जो 2 वर्ष पहले एज जो थी ना, अभी फिलहाल में जस्टिन उसका 2 गुना है। तो मान लो 2 साल पहले दीपिका एक्स ईयर की थी, अभी तो फिलहाल जस्टिन कितना का हो जाएगा, 2x का हो जाएगा। और दीपिका का प्रेजेंट एज कितना होगा, एक्स तो 2 साल पहले था, अभी प्रेजेंट में 2 साल बढ़ गई होगी तो x+2। ये दोनों एज जो है ना, ये प्रेजेंट एज है उनका। क्या है सर? प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब कह रहा है ना कि ध्यान से सुनो, यदि उनकी वर्तमान आयु का अंतर 2 साल का है तो जस्टिन की वर्तमान आयु क्या है। मतलब देखो, ये जो जस्टिन और दीपिका के अगर एज वो घटाओगे तो 2 वर्ष मिलेगा वैल्यू। तो 2x - x+2 करोगे, क्या वैल्यू 2 मिलेगा। ये 2x - x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा सर जी। और ये कह रहा है उनके वर्तमान आयु का अंतर जो है वो 2 साल है, ठीक है। तो इसको भी चलो यहाँ पे ये 3x नहीं कर सकते, x करेंगे हम लोग यहाँ पे। मैं थोड़ा सा बेवकूफ बार कर लेता हूँ, x बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये जो -2 है ना, ये इस साइड जाके +2 बन जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जस्टिन का वर्तमान एज बताओ, तो जस्टिन का वर्तमान एज 2x है।
जस्टिन का क्या था 2x, तो 2 × 4 = 8। ये जो है इतना बड़ा तो जाएगा एटलीस्ट, इस पर अगर इसको भी छोटा करना चाहते हो ना, ये सभी चीज़ों को माइंड में रखो, ठीक है, बस इतने से काम चल जाएगा। अब ये कैसे माइंड में स्टोर कर पाओगे लंबे टाइम तक, जब तक आप कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करोगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और एक बार तो ये जो मैथ की जो PDF लाई है ना, इसको पूरा 2 बार एग्जाम से पहले बना के ही जाना, मैं यही कहूँगा आपको। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, आंसर रट लें। भैया आंसर रट्टू मल हो ना तो आप कभी एग्जाम नहीं निकाल सकते ऐसा। अच्छा खुद से कमेंट करके बताओ मुझे, कभी ऐसा होता है किसी ने कुछ क्वेश्चंस दे दिए और आपने आंसर रट लिया उसका मैथ रीजनिंग में, वो जाके एग्जाम में आ जाए? ऐसा तो नहीं होता, वो तभी होगा जब कोई क्वेश्चन आउट करा रहा होगा, मतलब एग्जाम से पेपर से पहले, और वो सारा क्रिमिनल एक्टिविटीज हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहे हैं अमर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, रमन उसी काम को 15 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर काम करेंगे ना, तो 4 दिन में कुल कितना कार्य का प्रतिशत में कितना पूरा हो जाएगा? देखो अगर मैंने पढ़ाया था अमर और 30 दिन में कर रहा है, रमन नाम है ये 15 दिन में, ये दोनों मिल के करें तो पहले टोटल काम कितना दिन में खत्म होगा वो निकालो। तो क्या करोगे 30 × 15 और 30 + 15 तो हो जाएगा 30 × 15 / 45, तो ये 3 टाइम्स में कट जाएंगे और ये 10, ये दोनों मिल के करें ना तो वो 10 दिन में क्या करेंगे काम को खत्म कर सकते हैं। बट सर सुनो 10 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, तो कह रहा है 4 दिन में कुल कितना काम खत्म करेंगे, तो 4 दिन में देखो एक, देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, वो कुल काम 10 दिन में खत्म कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे 1/10, तो 4 दिन में करेंगे कितना 4/10, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीपल कर दो, ये 40% काम खत्म करेगी 4 दिन के अंदर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, कुछ नहीं आगे, और ऐसा ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में दे रहा है, थोड़ा बहुत सीधा सीधा कुछ नहीं घुमा फिरा के दे रहा है, ठीक है। आगे देखो, कृति ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, तो 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था, तो कृति का वेतन बताओ। देखो इसमें एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, समझना चाहोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो पहले तो उसको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जो वो कृति नाम है ना उसका, तो वो कृति जो है 45% जो है ना खर्च करना चाहती थी टोटल इनकम का, टोटल इनकम का कितना 45% खर्च करना चाहती। बट सर सुनो, लेकिन जब वो 11,475 रुपये खर्च की ना, तो उसको पता चला कि अभी तो हमने 60% ही खर्च किया है, तो अभी सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, 45% खर्च करना चाहती थी और 60% खर्च कर दी, तो यही तो समझने वाली बात है। मान लो टोटल इनकम जो है ना उसका, टोटल इनकम जो मान लो आई है उसका, मान लेते यही मान लेते हैं आई है टोटल इनकम, अब ये आई क्या ना 45%, तो उसने टोटल खर्च करने का टारगेट बनाया था, टोटल एक्सपेंस करने का खर्च बनाया था ₹100, तो अब ये कह रही थी ना एक्स जो है वो आई का 45% है, ठीक है, वो क्या है आई का 45%, ये एक्स जो है ना ये आई का मतलब टोटल इनकम का जो है 45% है, और जो ये 60% है ना ये टोटल खर्च करने के लिए जो हमने पैसा निकाला था ना उसका 60% खर्च किया हमने, तो हमने अभी जो 60% किया है ना, जैसे एक्स का जो 60% हमने खर्च किया है वो है कितना 11,475, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालोगे तो ये पता चल जाएगा कि आपने एक्स का वैल्यू जो है टोटल खर्च के लिए जो 45% इनकम का निकाले थे वो कितना है, थोड़ा सा लंबा कहानी जाए, ठीक है। तो एक्स का 11,475 यही था ना, चलो ये 0,0 कट जाएगा, तो x बराबर का हो जाएगा 1,1475/10/6, ठीक है। चलो तो ये चीज़ कितना हो जाएगा आपका, अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो अपना टोटल आ जाएगा 19,125 रुपये, ये इतना नहीं आ सकता, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है, हाँ बिल्कुल इतना आ जाएगा, रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखो उसने टोटल खर्च करने के लिए पैसा निकाला था 19,125, जिसमें से उसने 11,475 खर्च किया, समझ में आया, वो इनकम का जो 45% जो वैल्यू निकाल दी थी ना वही था 19,125, तो वो तो पहले 45% निकाल दी थी, अब उसी 19,125 का 60% जो खर्च की थी वो 11,475 था। अब देखो अब जो है ना वो टोटल इनकम का जो 45% निकाली थी तो वही उसी का वैल्यू आ गया 19,125, तो टोटल जो है वेतन निकाल दो तो इनकम का 45% का वैल्यू आ गया 19,125, अब जो है इनकम बराबर हो जाएगा 19,125/100/45, तो अब आई का वैल्यू निकाल लो, अब आपका जो है वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप 45 से इसको डिवाइड कर देना तो आपका ये 425 बार में कट जाता है, आप करके देखो
ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,25,000, मतलब उसका 0,00, मतलब टोटल जो इनकम था 42,500, 42,500 था, यही उसका टोटल इनकम था। ठीक है, थोड़ा सा कहानी को घुमाया गया। क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हो, बहुत फाड़ू है एकदम एग्जाम लेवल। एक कॉलेज में सभी छात्रों ने छात्रों में से 12% छात्रों को रुचि थी खेल में, ठीक है, और कुल छात्रों के 10% को थी क्या, गायन में, मतलब सिंगिंग में, और उसमें से 3/4 जो थे ना वो डांस वाले थे, कमर मतलब लटकाने वाले, झटकाने वाले, और शेष जो 15 छात्र थे उसको किसी में रुचि वुचि नहीं था। ठीक है, अब सुनो, मान लो टोटल लड़के कितने हैं, एक्स है। अब वहीं पे ये देखो, अगर एक्स में से यहाँ पे जो शेष जो 15 छात्र थे उसमें से किसी में मतलब नहीं था, तो एक्स में से जिनको रुचि था 12%, 10% और 3/4 घटा दोगे टोटल में से, तो ये खाली 15 को बच्चा लोग मिलेगा, तो एक्स में से क्या माइनस कराओगे, तो एक्स का जो 12% था प्लस में एक्स का जो 10% जो थे ठुमका ठुमकी लगाने वाले, और प्लस में एक्स का 3/4, ये सारे लोग को निकाल दोगे ना, ये सब मतलब पैसा बर्बाद करने वाले लोग हैं या फिर ओवर मतलब स्मार्ट लोग हैं, जो कि ठुमका लगाएंगे, कोई लोग खेलने वाले हैं, लोग गाने वाले हैं, इसी वाले लोग हैं, टोटल वाइज में से घटाओगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 15 आएगा। यही चीज़ था, यही चीज़ करना था और कुछ नहीं करना था। अब देखो इसको सॉल्व करके ये क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है, और ये सब माइन, अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो सारे लोग माइनस में चले जाएंगे, तो 12x-100 -10x/100 -3x/4, और इनका एलसीएम ले लोगे टोटल तो 100 आएगा, और इज इक्वल टू 15, तो आएगा ये 100 आएगा, 400 नहीं है ना, 100 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100x-12x-10x-75 हो जाएगा ना, ये 75x इज इक्वल टू 15। अच्छा देखो, ये 12 10 कितना हो जाएगा, 22, 22+75 कितना हो जाएगा सर आपका, 22 और 75, ये थोड़ा सा अपना 87 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 97 हो जाएगा, मैंने गलती बोल, देख लो यहाँ पे करके 97 हो गया। अब उनको अगर हम 100 में से घटाओगे 97, तो 3x मिलेगा, इसको कैलकुलेशन हम यहीं पे करें कि शॉर्ट हो जाए। अब ये सारे तीनों लोग मिलके 97x हो गया, इसको 100x में से घटाओगे तो 3x मिलेगा, 100x माइनस क्या था, 97x/100 इज इक्वल है ना, ये 3x/100 इज इक्वल टू 50, 3 से कटाओगे तो 5 बार में कटेगा, तो x बराबर 500। टोटल कितने बंदे थे वहाँ पे कॉलेज में, कुल कितने छात्र थे, 500 लोग थे। आ गया समझ में, यस सर। आगे देखो, अगला सवाल कह रहा है आपसे कि एक सभागार में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई और टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि हुई, तो टोटल बताओ कितना वृद्धि हुई, तो R1+R2+R1×R2/100, 25 12+25×12/100, यही करोगे ना, 4 बार में कटेगा और ये बार 4 से 3 बार में कटेगा, मतलब ये 37+3, 40% की इंक्रीजमेंट हुई, बहुत ही सिंपल सा रूल था। आगे देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन भी कुछ कहता है ना, ये कहता है कि किसी वर्ष एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 4 माह के औसत खर्चे 8,400 रुपये मासिक और 10,080 रुपये मासिक और 10,608 रुपये मासिक तथा वार्षिक बचत जो है 8,640 रुपये, तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी है। पहली चीज समझो, ये सारी चीज है ना 3 माह 4 माह और 5 माह का, ये एवरेज दे रखा है, बट ये जो बचत है उनका सेविंग से, ये एवरेज नहीं है। तो हम लोग 3 माह का जो औसत दे रखा है 8,400, उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2,500 कितना आ जाएगा, 25,200 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगली बार अगले 4 महीने का अगर 10080 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, 40320, यही हो जाएगा ना। फिर अगले 5 महीने का जो वैल्यू है उसका वैल्यू है 10608, एवरेज है ना ये, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 53040 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब को जोड़ो तो 6058, 5 8 9 10 11 इतना आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये जो वैल्यू है इतना आ गया, ये टोटल कितना है उनका, ये क्या है मासिक, क्या है भाई खर्चे हैं, ये टोटल खर्च है उनका 1,11,000, क्या है 1,18,560 रुपया, और बचत कितना है, पूरा कह रहा है बचत, ये मतलब एवरेज नहीं कह रहा है, वो एग्जैक्टली कह रहा है 8,640 रुपया। इनमें से अगर जोड़ देंगे हम लोग तो 0 10 6 5 11 और 1 12 8 8 16 और 1 17, मतलब इतना हो गया इसका टोटल जो है कितना है मास खर्च है, मतलब पूरे साल का क्या उनका है, ये इनकम है, ठीक है।
तो अगर पूरे मासिक कह रहा है तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है, यही कह रहा है आपसे, तो हो जाएगा 10600, 12 से डिवाइड करोगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है बिल्कुल। आगे देखो, ये थोड़ा कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कई सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जा सकने सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो एक जो है ना क्यूब है, सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, ठीक है, ये एक घन है, क्यूब है, क्या है सर, क्यूब है, इसकी एक भुजा जो है ना ये 21 सेंटीमीटर का है, इससे बनाए जाने वाले बड़े गोले का आयतन, अगर इसमें एक गोला अगर हम सबसे बड़ा बना देंगे, ठीक है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा मुझे बताओ। तो पहली बात तो ये जो ऊपर से नीचे तक का जो वैल्यू होगा वो भी भुजा के बराबर ही होगा, तो त्रिज्या सेंटर से काउंट करोगे, मैंने पढ़ाया था, तो ये घन के जो है क्यूब के, ठीक है, क्यूब के साइड का आधा हो जाएगा त्रिज्या, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर, रेडियस बराबर वो यहाँ पे छुट गया, क्या हो जाएगा, क्यूब का जो साइड होगा का आधा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³, तो 4/3 22/7 इंटू 30/2 इंटू 21/2 तो यही हो जाएगा ना आपका। तो सर जी चलो कर देते हैं, थोड़ा सा गुंडागर्दी हम यहाँ पे, ये 11 टर्म में कट जाएंगे इनसे, ये 3 बार में कट जाएगा यहाँ पे, और ये 3 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 × 4 = 4 से कट जाएगा, बचेगा 11 × 21 × 21, 11 × 441 21 का स्क्वायर होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 4851, ठीक है। ये जो है घर का आयतन है, आयतन है सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये ध्यान देना, घन का आयतन है ये, सॉरी गोले का, स्फीयर का क्या है, वॉल्यूम है ये। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर a - b = 3 है, और एक चीज ध्यान देना, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे टाइप करने में दिक्कत आया है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर 29 है, तो ए इंटू बी का वैल्यू बताओ। दो तरीके से बना सकते हैं, पहला सुनो, ए माइनस ए की जगह पे अगर हम दिमाग लगाएं 5 और बी की जगह पे 2 रख लेंगे तो भी क्या आएगा, ए माइनस बी बराबर 3 आ जाएगा, 5 - 2 = 3, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 29 आ जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना, 9, ठीक है, तो आ रहा है क्या, सॉरी 2 का स्क्वायर लेना था ना अपने को, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, ये 29 हो जाएगा। तो a इंटू बी करना होगा तो 5 × 2 कर लोगे 10 आ जाएगा, पहला तो तरीका ये था। दूसरा ये था ना, a माइनस बी बराबर 3 है ना, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab = 9, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 29 दे रखा है, यहाँ पे 29 रख लो, माइनस कर लो 2ab / 9। अब देखो 2ab को उस साइड ले जाओ, 9 को इस साइड ले जाओ, तो माइनस हो जाएगा, 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 29 - 9, तो ab = 20/2 = 10। जो सही लगे ये ट्रिक था और ये बेसिक था, ठीक है, जो सही लगे आंसर ले लो, दोनों तरीके से अपना 10 ही आएगा, ठीक। चलो आगे देखो, 9 नंबर क्वेश्चन है कि 3√5 प्लस में √125 बराबर 17.88 है, तो √80, ठीक है, √80 प्लस में 6√5 का वैल्यू बताओ। अब देखो इसको लिख सकते हैं ना √3 √5 को, या और ये तो सेम लिख देंगे, और 5 ये 125 को क्या लिख सकते हैं, 5√5, क्योंकि 25 अंदर 5 अंदर जाएगा तो 25 बन जाएगा, 25 × 5 125 होता है, इसका वैल्यू दे रखा है 17.88, और ये 3√5 और 5√5 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 8√5 बन जाएगा, यही ना, 5 = 17.88, तो √5 = का हो जाएगा 17.88/8 हो जाएगा। चलो अब इधर देखते हैं, इसको छोड़ दो, रूट फाइव का हमको वैल्यू मिला यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 4√5, क्यों गाइस, क्योंकि 16 × 5 में करोगे तो ये 16 बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा, रूट फाइव तो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6√5, ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10√5 हो गया। अब 10 × √5 का वैल्यू रख लो यहाँ पे जो है आपका 17.88, तो हम ना 17.88 को ना ये पे 8 × 100 करेंगे, पॉइंट को भूल जाते हैं, तो 1 0 1 0 कट जाएगा। अब ना ये इसको 8 से डिवाइड मारो, ठीक है, ये कटेगा आपका कितनी बार में, 8 से डिवाइड मार के देखो, 22 × 3.5 मतलब 223.5 करोगे बटा में 10, और ये फिर से अगर 10 को हम ऊपर ले जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल मतलब बढ़ जाएगा, 5.35 हो जाएगा,
22.35 हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22.35 हो जाएगा। चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज के लेवल थोड़े से अप थे इसलिए वीडियो लंबी जा रही है। दो संख्याओं का योग जो है ना 62 है, ठीक है, मतलब a प्लस बी का वैल्यू है 62 है। छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या से 14 अधिक है, तो मान लो छोटी संख्या जो है ना उसका बी, मान लो बी है इसका जो है ना क्या कह रहा है 3 गुना बड़ी संख्या 14 अधिक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कैसे, सुनो या फिर छोड़ो ऐसे मान लो हम x प्लस वाई मानते हैं, थोड़ा आसान लगता है a प्लस बी मानने से मुझे, आपके a प्लस बी भी मान लगते हो, मेरा x प्लस वाई बोलने का आदत है ना, तो मैं a प्लस बी लिखूंगा तो भी उसको x x बोलने लगूंगा, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं 62 है, तो ये क्या है ना जो छोटी संख्या का 3 गुना, ठीक है, तो छोटी संख्या का 3 गुना मतलब y का 3 गुना, अब इसको घटाओगे ना किस में से, x में से, तो ये बराबर है कि देखो छोटी संख्या का 3 गुना है ना वो बड़ी संख्या से 14 अधिक है, तो मान लो ये छोटी संख्या वाई है और बड़ी संख्या एक्स है, तो y का 3 गुना जो है ना वो किसके बराबर है, x के 14 अधिक, मतलब x में 14 जोड़ेंगे तो वो जाके बराबर हो जाएगा, यही कह रहा है, ठीक है। चलो तो x से 14 अधिक है, तो फिर यहाँ पे क्या निकालना है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच का आप अंतर निकालो, ठीक है। तो चलो फिर इसको भी करके देख लेते हैं, और यहाँ पे दे रखा है क्या x प्लस वाई बराबर 62 है, तो जरा उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने को आगे बढ़ना है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा अपने को ना, यहाँ पे जो इस पहले वाले इक्वेशन में x प्लस वाई बराबर दे रखा है क्या 62, तो हम x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको x बराबर लिख सकते हैं ना 62 माइनस वाई, इस y को अगर इस साइड भेजें ताकि यहाँ पे x का वैल्यू जो है ना, यहाँ पे भी x है तो हम x को हटाना चाहते हैं, तो x के जगह पे 62 माइनस वाई लिखेंगे, 3y बराबर क्या हो जाएगा 62 माइनस वाई प्लस में 14, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब इस वाले माइनस वाई को अगर हम लेफ्ट साइड भेजेंगे तो 3y में जुड़ के 4y बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 78 बन जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा ना 78 हो जाएगा, और सॉरी 76 हो जाएगा, वही मैं कहूँ कि कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, 76 हो जाएगा। अब इसको आप ना वाई बराबर लिख सकते हो 19 इंटू 19 चके क्षेत्र होता है ना, तो 19 से कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो गया 19, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो x प्लस वाई बराबर 62 था ना, तो y का वैल्यू जब 19 आ गया तो x का वैल्यू क्या होगा, आप घटा लो y को 62 में से, 62 माइनस 19 करोगे तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना 43। तो अब कह रहे हैं ना कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर, मतलब x माइनस वाई कितना होगा, ये चीज बताओ, तो यहाँ पे 43 और लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, 43 में से 19 घटा लो जो वैल्यू हो जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा, और ये इतना बड़ा ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो छोटे में भी हो सकता था अगर आप बहुत सारी चीज़ों को माइंड में कैलकुलेट कर लेते तो, ठीक है। चलो आपके 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करेंगे, और बाकी जाते जाते फिर से मैं कहना चाहूँगा गाइस, अभी तक अगर आपने ये PDF बाई नहीं किया तो बहुत पीछे हो आप, इन मैथ के रीजनिंग और साइंस और इंग्लिश इनको पढ़ लो, सेक्शन 1 देख के आओगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जाम में बैठ के, मैं इतना कहूँगा, ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा कुछ, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद आपको रियलाइज होगा जब बच्चे कहेंगे कि सर आपने फोड़वा दिया एग्जाम, ठीक है ना, बस यही कहेंगे एग्जाम के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।